वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव पंचायती राज ने 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में आवंटित परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि के लिए तैयार डीपीआर की समीक्षा की और गोरखपुर के एनआईसी हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जिला पंचायती राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर सहित संबंधित अधिकारी और ग्राम प्रधान मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में गोरखपुर जिले के लिए बनाकर भेजे गए डीपीआर में 5 करोड़ की धनराशि के संबंध में चर्चा की गई। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में परफॉर्मेंस ग्रांट की धनराशि की पहली किस्त 50 लाख रुपए भेजी जा चुकी है। शेष धनराशि गांवों में परफॉर्मेंस को देखकर दी जाएगी। तो सर सोच तो बड़ी है, तो कोई में ना हो, इसलिए एक योजना एकीकृत तरीके से कानून बनानी जरूरी है, यही सर बोल रहे हैं बार बार। सोच बड़ी है, तो आप से तो सोच तो सर बड़ी है ना, तो वो बड़ी सोच कहाँ आपने दी है? 5 करोड़ की नहीं है वो, 50 लाख की सोच है। नहीं, 50 लाख की नहीं है, 5 करोड़ योजना पूरे की है। हम लोगों का एस्टिमेट भी बन गया है, कम से कम 4 करोड़ का एस्टिमेट बना है सर। ठीक सर, धन्यवाद। अच्छा, 50 लाख कर दी, 50 लाख हमने चला तो चला बन जाएगा। ग्राम पंचायत बिलवा सर, हमने स्मार्ट क्लास सिस्टम में आएगा जिम, सामुदायिक भवन, मगर फंडिंग स्मार्ट पंचायत भवन एस्टिमेट हर काम का होगा, लेकिन डंपिंग यार्ड ये डीपीआर वन एंड द लास्ट, और उसके बाद डंपिंग किया जाएगा, इसके बाद से आप खाली और छोटी जैसी भी चक्कर में नहीं पड़ना। मेरे गांव में सर मत्स्य पालन से वो जो हमारा क्रिएट रहा है उसमें हमने करवाया। सामुदायिक भवन बनवाना चाहते हैं।